तो दोस्तों जीएसटी के अंदर एक लेटेस्ट एडवाइजरी आई है 14 अक्टूबर की डेट की इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर। यानी कि अगर आप आईटीसी क्लेम करना चाहते हो तो अब आपको एक सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा जिसके बेसिस पे आप आईटीसी क्लेम करोगे अपने जीएसटीआर 2B में, और फिर वो 2B से आपका 3B में चला जाएगा। तो गाइस इसके लिए एडवाइजरी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइजरी इशू करी है जीएसटी डिपार्टमेंट ने। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम इज मेड अवेलेबल टू टैक्स पेयर फ्रॉम 14 अक्टूबर 2024। दोस्तों ये एडवाइजरी 14 तारीख की डेट से आई है और 14 तारीख की डेट से ही एप्लीकेबल है, यानी 14 अक्टूबर 2024 से ये एप्लीकेबल हो चुकी है। द न्यू सिस्टम शैल फैसिलिटेट टैक्स पेयर इन मैचिंग द रिकॉर्ड इनवॉइस विज़ाविस इशूड बाय द सप्लायर फॉर अवेलिंग द आईटीसी। यानी कि अब आपको जो है अपने इनवॉइस मैच करने पड़ेंगे, अगर आपको अपने सप्लायर से जो भी आपने इनवॉइस लिया है उसका आपने अगर आईटीसी क्लेम करना है। तो इसके बारे में डिटेल आपको समझाने जा रहा हूं एक तो मैं, और दूसरा आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा जीएसटीआर के पोर्टल पर इसको कैसे फॉलो करना है, ताकि आप जो है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम का पूरा जो प्रोसेस है उसको ठीक से फॉलो कर सके। तो गाइस आशा करता हूं कि वीडियो को पूरा देखेंगे और स्किप नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। चैनल पर है तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। गाइस सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, नीचे लाल बटन आपको दिख जाएगा उसे क्लिक कर दो, ताकि कई नई नोटिफिकेशन आती है ना जीएसटी को लेकर, कुछ भी अपडेट आती है इनकम टैक्स को लेकर, तो आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। और आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं एडवाइजरी के बारे में। गाइस पहले तो ये कि ये 14 अक्टूबर से एप्लीकेबल हो गया, जैसे मैंने आपको बताया, इसका मतलब आप सितंबर 2024 के अगर जीएसटीआर रिटर्न अपनी देखना चाहते हो, 2B अपनी चेक कर रहे हो, तो वहां पर ये ऑप्शन आपको देखा जाएगा, वहां पे आप ये जाके चेक कर सकते हैं IMS का जो प्रोसेस है। सेकेंडली दोस्तों इस नोटिफिकेशन के अंदर बेसिकली एडवाइजरी के बेसिस पे ये बताया गया है कि अक्टूबर 2024 महीने की जब आप अपनी जीएसटीआर 2B चेक करेंगे तो वहां पर आपको पहली 2B जो जनरेट होगी ना, यानी कि पहली बार जो 2B जनरेट होगी IMS के बेसिस पर, वो अक्टूबर 2024 की होगी, जो कि दोस्तों कौन सी डेट की होगी, ऑब्वियसली 14 नवंबर 2024 को। ये चीज दोस्तों इसके अंदर लिखी हुई है कि टैक्स पेयर कैन मेक यूज ऑफ दिस सिस्टम टू टेक एक्शन इनवॉइस रिफ्लेक्टिंग इन IMS फ्रॉम 14 अक्टूबर। फर्स्ट जीएसटीआर 2B, यानी कि पहली जो जीएसटीआर 2B होगी, वुड बी जनरेटेड फॉर द रिटर्न पीरियड अक्टूबर 24। पहली जीएसटीआर 2B आपकी जो जनरेट होने वाली है वो अक्टूबर 24 के लिए होगी, जो कि 14 नवंबर को होगी, यानी कि अगले महीने, जो कि किसके बेसिस पे होगी, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के बेसिस पे होगी। और गाइस ये भी इसके अंदर बताया गया है कि इस एक्शन को फॉलो करना, इस प्रोसेस को फॉलो करना कोई मैंडेटरी नहीं है, यानी कि आप इसको चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, लेकिन आपको दोस्तों पता लग जाएगा कि आपका कोई इनवॉइस जो है वो क्या हुआ है, मिस तो नहीं हुआ है, तो आप चेक कर सकते हो अपना इनवॉइस टू इनवॉइस जो है कि आपके सप्लायर ने क्या दिया, वहां पे क्या अपलोड करा है, तो अकॉर्डिंगली उसको अपने इनवॉइस से मैच कर सकते हो और उसको अकॉर्डिंगली कुछ स्टेप्स फॉलो कर सकते हो जो मैं आपको प्रैक्टिकल अब दिखाने वाला हूं। तो उसके दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले मैं लॉग इन कर लेना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेप्टेम्बर मंथ सेलेक्ट करेंगे तो सर्च करेंगे, तो जैसे ही मैं यहाँ पे सर्च करता हूं तो मेरे पास दोस्तों यहाँ पे रिकॉर्ड आ चुका है मेरी रिटर्न का, कि मेरी जीएसटीआर 1 है, 1A है, 2B है, 2B क्वार्टरली है, 3B है और 2A है। तो यहां पर मुझे क्या देखना है, 2A 2B यहां पे देखना है, तो मुझे 2B के ऊपर व्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे मैं 2B पे यहां पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास यहां पे आई मल्टीपल ऑप्शन है कि आईटीसी अवेलेबल कौन सा है, आईटीसी नॉट अवेलेबल आपके पास कौन सा है, और आईटीसी रिवर्सल कौन सा है। तो अगर यहां पे आप ध्यान से देखेंगे, जैसे आईटीसी अवेलेबल पे या मैं किसी भी ऑप्शन पे जाता हूं तो नीचे यहां पे आपको दिखा देगा ओपन आईएमएस डैशबोर्ड, यानी कि दोस्तों इसी का जिक्र कर रहा है कि आपको यहां पर इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम का जो डैशबोर्ड है वो ओपन कर लेना है। तो गाइस यहां पे जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूं तो यहां पर अब आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं दोस्तों, हालांकि यहां पे सब कुछ जीरो दिखा रहा है, बिल्कुल नील बटे सन्नाटा है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं अभी तक, अगर मैं सितंबर की रिटर्न की बात करूं, क्योंकि दोस्तों इन्होंने क्या बोला एडवाइजरी में कि पहली जो 2B जनरेट होगी ना IMS के बेस पे वो अक्टूबर के महीने की होगी, जो कि 14 नवंबर को होगी। अब उसके लिए आपको क्या क्या स्टेप यहां पे फॉलो करने हैं, तो गाइस ये आपको ध्यान से सुनने वाली बात है कि ये IMS का सिस्टम कैसे काम करने वाला है। देखिए इसके अंदर आपको यहां पे B2B इनवॉइस मिलेंगे, B2B अमेंडमेंट मिलेंगे, डेबिट नोट मिलेंगे, अमेंडेड मिलेंगे, क्रेडिट नोट मिलेंगे और अदर इनवॉइसेज यहां पे मिलने वाले हैं। अब उसके लिए यहां पे आपको करना क्या है, यहां पर आपको चार यहां पर रिकॉर्ड दिखने वाले हैं जिसमें आपको कुछ एक्शन लेना है। एक तो आपने जिसपे कोई एक्शन नहीं लिया,
एक आपने एक्सेप्ट कर लिया, एक आपने रिजेक्ट कर लिया, या एक आपने पेंडिंग छोड़ दिया। तो गाइस जिस पे आपसे कोई एक्शन नहीं लिया उसको मान लिया जाएगा कि वो आपने एक्सेप्ट कर लिया है, और आपने एक्सेप्ट कर लिया इसका मतलब आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ऑब्वियसली वो आपके टू बी में जनरेट हो जाएगा। और रिजेक्ट जो आपने कैंसिल कर दिया है, और पेंडिंग जो आपका पेंडिंग पड़ा हुआ जिसको बाद में फ्यूचर में आप जाके उसको दोबारा से एक्सेप्ट कर सकते हो, उसके ऊपर एक्शन ले सकते हो। गाइस एक तो यहां पर जाकर आप अपना डैशबोर्ड चेक कर सकते हो आईएमएस का, इसके अलावा आप सर्विसेज के ऑप्शन में जाकर, रिटर्न में जाकर अगर यहां आएंगे ना, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम आईएमएस डैशबोर्ड, तो यहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको दिखा देगा इनवर्ड सप्लाईज पे व्यू पे क्लिक करना है, और यहां पर दोस्तों एक आपको पॉपअप मैसेज देगा कि वेयर नो एक्शन इज टेकन बाय द टैक्स पेयर विल बी कंसीडर्ड एज डीम्ड एक्सेप्टेड फॉर जीएसटीआर 2B। यानी कि आपने जहां पे कोई एक्शन नहीं लिया है वहां पे ये माना जाएगा कि आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है 2B में जनरेट करने के लिए। अगर जैसे इसको मैं ओके करता हूं तो आप देख सकते हैं मेरा सेम डैशबोर्ड यहां पे खुल चुका है। सो बेसिकली आप किसी से कोई भी माल खरीद रहे हैं, कोई सर्विस का आप परचेज, कोई बिल ले रहे हैं, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, या कोई भी सर्विस आप ले रहे हैं और उसके बेसिस पे आपने पीछे से कोई इनवॉइस लिया है, तो वो पर्सन अपना क्या करेगा, जीएसटीआर 1 में अपलोड करेगा आपके, किसके, आपके जीएसटी पे। तो वो दोस्तों आपको कहां दिखेगा, अब इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में आपको दिखेगा, जहां पर आपको कुछ स्टेप फॉलो करने हैं ताकि उसका आईटीसी आपके 2B में चला जाए और अकॉर्डिंगली 2B से 3B में चला जाए। तो उसके लिए आपको कुछ एक्शन यहां पे लेने, जैसे मैंने आपको बता दिया कि आप कोई एक्शन लेना चाहते हो, उसको एक्सेप्ट करना चाहते हो, रिजेक्ट करना चाहते हो, पेंडिंग छोड़ना चाहते हो, तो उसके बेसिस पर आपको फिर 2B का ही क्या मिलेगा, 2B में उस इनवॉइस का जो है क्रेडिट मिलेगा, आईटीसी मिलेगा, और जिसके बेसिस पे आप उसको 3B में क्लेम कर सकते हो और अकॉर्डिंग जितना आपका टैक्स बनेगा उसको पे कर सकते हैं। तो कहते हैं कि छोटी सी और एक बहुत बड़ी एडवाइजरी है जो कि लोगों को ये लग रहा था कि सर 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल होने वाली है, हालांकि गवर्नमेंट ने एडवाइजरी बहुत पहले भी निकाली थी, अब दोबारा निकाली है, लेकिन एक्चुअली में ये आपकी 14 नवंबर को एप्लीकेबल हो जाएगी, जिसमें आपकी पहली 2B जनरेट होगी किसके बेसिस पे, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के बेसिस पे, जहां पर अपने इनवॉइसेस को आप मैच कर सकते हो। और गाइस अगर आपको इस एडवाइजरी की कॉपी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो ताकि सब इसको समझ सके और सब इसका बेनिफिट ले सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।